What is up guys, welcome back to my YouTube channel and I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में उसको रिव्यू करने वाला हूँ अप्सरा का प्रीमियम कलर पेंसिल्स का। तो इस वीडियो में इस कलर पेंसिल्स का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा और इसको ब्लेंडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो और मेन पॉइंट, और ये पेंसिल मैंने बहुत ही कम प्राइस में परचेस किया है, तो अगर आपको भी लेना है इसको बहुत नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहा हम लोग का अप्सरा का 26 प्रीमियम कलर पेंसिल्स। जो फर्स्ट लुक है वो आता है कुछ इस तरीके से का, इस तरीके का, और इसके ऊपर एक पतला सा प्लास्टिक कवरिंग चढ़ा हुआ है। इसको खोल के देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बॉक्स का कुछ ओवर लुक। जो पहले में जो बॉक्स में आता है, जो इसका ग्राफिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से है। और इधर में हम लोग को बॉक्स का बैक साइड में देखने को मिलता है इसका MRP जो कि 300 है। और इस पेंसिल की मदद से हम लोग इसको क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, स्टिपलिंग कर सकते हैं और एम्बोसिंग भी कर सकते हैं। तो अभी बॉक्स को खोल के देखते हैं। बॉक्स खोलते ही हम लोग का जो मेन कंटेंट है अप्सरा का प्रीमियम 26 कलर पेंसिल्स वो आता है। और पेंसिल्स में कुछ लिखा हुआ रहता है अप्सरा प्रीमियम कलर पेंसिल। और सबसे जो अच्छा चीज़ लगा मुझे, और जो सब पेंसिल्स है उसमें अपना अपना उसका कौन सा कलर है उसका नाम लिया लिखा रह गया है, जो कि बहुत पेंसिल्स में नहीं रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो कलर पोर्ट्रेट है, मतलब कलर फेस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा पेंसिल्स को यूज़ होता है, तो वो हम लोग को शॉर्ट आउट करेंगे। जो पीच कलर है ये हम लोग को चाहिए होता है, वाइट कलर चाहिए होता है, ब्राउन कलर चाहिए होता है और टैन कलर भी चाहिए होता है। और ये क्ले ब्राउन जो कि बोलते हैं ये भी चाहिए होता है। तो कुछ ये कुछ मेन कलर्स जो है हम लोग को, ये जो कलर पोर्ट्रेट है वो सब में करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है। तो अभी हम लोग इस पेंसिल को ट्राई करके देखेंगे और इसको ब्लेंड करके देखेंगे। पेपर में यूज करूंगा बूस्ट्रो के 200 GSM ड्राइंग पेपर, जो कि कलर पेंसिल्स और कलर पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही अच्छे होता है। इसमें जो पैचेस है बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अभी हम लोग ब्राउन कलर को लेंगे। ब्राउन कलर को लेके हम लोग बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज करते हुए हम लोग इसमें शेड करेंगे। और इसको हम लोग ब्लेंड करने का कोशिश करेंगे, जो कि अप्सरा का प्रीमियम कलर पेंसिल्स में ही आता है। जो व्हाइट कलर है उसके मदद से हम लोग इसको ब्लेंड करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे किस हद तक ये ब्लेंड हो पाता है। कुछ इस तरीके का रिजल्ट आता है। और इसके बाद हम लोग सेम लाइट प्रेशर का अप्लाई करते हुए फिर से हम लोग सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग अप्सरा का ग्लास मार्किंग जो पेंसिल आता है उसकी मदद से हम लोग इसको ब्लेंड करके देखेंगे। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ग्लास मार्किंग पेंसिल को यूज ना करके जो अप्सरा का जो प्रीमियम कलर में जो आता है व्हाइट कलर, आप उसको यूज कीजिए। तो अभी हम लोग जो रेड कलर है उसको यूज करेंगे और इसको भी ब्लेंड करके देखेंगे सेम प्रोसेस में। और इस बार हम लोग थोड़ा प्रेशर के अप्लाई करते हुए करेंगे। और अभी जब मैं प्रेशर के अप्लाई कर रहा हूँ तभी ये बहुत ही सॉफ्ट सा फीलिंग दे रहा है, और ये पेंसिल को पकड़ते ही एक प्रीमियम सा फीलिंग आता है, जैसे कि प्रिज्मा कलर का पेंसिल्स है और उस कुछ इस तरह के कई है। तो अभी हम लोग फिर से इसको भी व्हाइट कलर का यूज करके ब्लेंड करने का कोशिश करेंगे। इसका भी जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया। अभी इसको सेम
फिर से हम लोग ग्लास मार्किंग पेंसिल से भी करके ब्लेंड करके देखेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग फिर से प्रेशर के अप्लाई करते हुए रेड कलर से इसको शेड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप जो अप्सरा का प्रीमियम कलर पेंसिल का जो व्हाइट कलर है उसको ही आप यूज़ कीजिए, क्योंकि आप इसका डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। मैंने सेम कलर पेंसिल को यूज़ किया हुआ है, और एक मैंने किया जो अप्सरा का व्हाइट कलर पेंसिल है उसको यूज़ करके किया है, और एक ग्लास मार्किंग पेंसिल से किया हुआ है। तो ग्लास मार्किंग पेंसिल का जो रिजल्ट आया है वो कुछ पिंक कलर का आ गया है, जो कि वो नेचुरल कलर में नहीं आया है। और जो मैंने व्हाइट कलर से यूज़ करके किया हुआ है उसमें देखिए आप जो रेड कलर है वो रेडिश कलर ही आया हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जितना हद तक सके अप्सरा का प्रीमियम कलर पेंसिल का जो व्हाइट पेंसिल है उसको आप यूज़ करके इसको ब्लेंड करें। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका शार्पिंग टेस्ट। तो अभी मैं यूज़ करूँगा एक नॉर्मल सा शार्पनर। और ये बहुत ही स्मूथली शार्प हो चुका है। और अभी हम लोग एक सिंपल सा कलर मिक्सिंग का टेस्ट करेंगे। हम लोग उसके लिए हम लोग लेंगे रेड कलर को और ये ऑलिव कलर को, और दोनों को मिक्स करके देखेंगे। मैं मीडियम प्रेशर के अप्लाई करते हुए मैं इसको शेड कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे तरीके से मिक्स्ड हो चुका है। अभी जो मेन बात आता है, आपको ये कलर पेंसिल लेना चाहिए या नहीं, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस कलर पेंसिल की मदद से हम लोग अच्छे से ठीक ठाक ब्लेंडिंग कर लेते हैं, और कलर वेरिएंट जो है वो अच्छा मिल जाता है। और इतने कम प्राइस में अप्सरा ने इसको टीन केस प्रोवाइड किया हुआ है, जो अपने में ही बहुत बड़ा बात होता है। और ये खराब डील नहीं है, आपको ले लेना चाहिए। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इस कलर पेंसिल को यूज़ करके एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करके दिखाऊंगा, और अभी इसके प्राइसिंग को लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये कलर पेंसिल मेरे को पड़ा 150 रुपीज़ में, और ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया हुआ है, और इसका जो परचेस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ये वेबसाइट जेन्युइन वेबसाइट है। आप इसको विदाउट एनी टेंशन आप कोई भी ड्राइंग मटेरियल्स परचेस कर सकते हैं, और ये वेबसाइट मेनली ड्राइंग मटेरियल्स परचेस करने के लिए ही है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।